नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे ठेला लगाने वाले गरीब लोगों ने जाम लगा दिया। वे सभी नगर निगम की मनमानी कर अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझाइश कर जाम को खुलवाया है। इस दौरान वाहनों की काफी लंबी कतारें लग गई थी और कई एम्बुलेंस भी जाम में फंसी नजर आई। आपको बताते चले कि झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 29 मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 2 के सामने कड़कती धूप में सड़क किनारे ठेला लगाने वाली कुछ गरीब महिलाओं ने जाम लगा दिया। वे सभी नगर निगम की तानाशाही से काफी परेशान थी। उनका कहना था कि उनकी हर माह नगर निगम पर्ची काटता है और पुलिस भी उनसे पैसे ले जाती है, लेकिन आज दोपहर अचानक अतिक्रमण दस्ता जेसीबी लेकर पहुंच गया और इनके ठेलों को हटाने लगा। विरोध करने के दौरान कई गरीब महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी की गई। इस दौरान एक बुजुर्ग धक्का लगने से घायल जमीन पर पट गिर गया, जिससे उसके हाथ में चोट लगी है। महिलाओं का कहना था कि यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा लोग ठेला लगाकर अपना गुजारा कर रहे थे, जिनको हटाकर गरीबों को बेरोजगार किया जा रहा है, लेकिन वह नगर निगम की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। महिलाओं का कहना था कि चाहे उनकी जान चली जाए पर किसी के ठेले नहीं हटने दिए जाएंगे। वह इस तपती धूप में नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डटी रही। लगभग एक घंटे बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों के समझाइश के बाद जाम को खुलवाया गया। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। आज क्या हुआ? आज अतिक्रमण आया बहुत तेज। जब इसीलिए आते हैं तो ठेलों पे चढ़ाते हैं, पता ठेला टूट जाएंगे तो हम कहाँ से ले आएंगे, क्या करेंगे? ठेला पलटा देते हैं हम लोगों के, बताओ गरीब आदमी कहाँ तक ठेला बनाएंगे? आज इसीलिए जाम लगाया, हमारे ठेला तोड़ दिए, इसलिए जाम लगाया और 500 की रसीद काट दिए। हमें तो जगह चाहिए, हमारे बच्चे पलना चाहिए। बस कितने ठेले लगते, कितने लोग आप लोग? कम से कम 50 ठेले लगते होंगे। रानी साहू, रानी क्या मामला है, आप लोगों ने जाम लगा दिया? मैं जी ठेला लगे रहते तो जो कहते हैं कि पर्ची काटो, दो तीन बार कटवा ली, हफ्ते में तीन बार आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं काटने के लिए, क्या हटाओ हटाओ, पुलिस चौकी वाले आते हैं, क्या एक बार हटा लू, मैं 6 महीने के लिए कोई नहीं आएगा, फिर से आ गए हैं, लगाने नहीं देते हैं। आज क्या सीधी कटाओ हटाओ, पर्ची भी काटी है सीधी करे हटाइए। पच्चीस पच्चीस तीस तीस साल हो गए ठेले लगाने, ऐसा नहीं है, जब देखो जब आते हैं हटाते हैं, कैसे भगाते हैं जी, बिजली मशीन से पटकते हैं, एक बार नहीं 10 बार हम उनकी कार्यालय लगाएंगे, सामान ले गए उठा के, वो भी सामान देते तो रसीद काट तकड़ी उठा ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हम लोगों को ठेले के लिए जगह दी जाए, नहीं तो अब नहीं ठेले नहीं हटेंगे आएंगे, नहीं तो अब हम लोग अपनी जान दे देंगे। अब ये समझ लीजिए जैसा कानपुर में आस्था हुआ था, ऐसा ही नगर निगम वालों के साथ हो जाएगा।